भारतीय सेना में अग्निपथ नाम से 4 साल की भर्ती योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर कुछ लोग समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि अग्निपथ योजना में ये बात अच्छी है कि इससे जाति समुदाय आधारित रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये अंग्रेजों के समय की गुलामी की निशानी है। उस समय सभी जातियों के लोग साथ में नहीं खाते थे, छूत अछूत का भेदभाव था, इसलिए जाति आधारित रेजिमेंट यूनिट और कंपनी बनाई गई। अब अखिल भारतीय सेना होनी चाहिए, सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा करें। एक दूसरी फेसबुक पोस्ट में दिलीप मंडल लिखते हैं कि अगर सरकार जिद पर अड़ गई है तो अग्निपथ स्कीम आ ही गई है तो SC ST OBC के लोगों को इसमें जाना चाहिए। जाति और समूह आधारित रेजिमेंट सिस्टम से बाहर हो रही इन भर्तियों में आपके लिए मौके होंगे। यहां से लोग BSF, CRPF आदि में जाएंगे, वहां रिजर्वेशन भी है। सिस्टम से लड़ने का SC ST OBC ने ठेका नहीं ले रखा है। जिनको फौज में ज़्यादातर पक्की नौकरियां मिल रही थीं, वे छटपटा रहे हैं। उनको सिर्फ नैतिक समर्थन दें, सिस्टम से हर समय लड़ते रहना अच्छी बात नहीं है, सिस्टम का फ़ायदा भी उठाएं। बाकी लोग भी ज़्यादातर समय यही करते हैं। भारत में आर्मी में भर्ती के लिए 5 फीट 35 इंच लंबाई की अनिवार्यता है। वहीं इसको लेकर दिलीप मंडल कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में फौज में जाने के लिए 5 फुट का होना काफ़ी है। सिर्फ ड्राइवर के लिए 5 फुट 4 इंच की शर्त है। भारत में अंग्रेजों के समय में मार्शल रेस की तलाश में लंबे फौजी भरे गए, अब ना घोड़ा है ना भाला, फायरिंग में लंबे आदमी के ठुक जाने के ज़्यादा चांस हैं। अभी की शर्तों के कारण देश के हर 4 में से 3 आदमी को फौज के लिए मिसफिट बना दिया गया है। नियम बदलना चाहिए, अमेरिकी स्टैंडर्ड यहाँ भी लागू हो। आप पाएंगे कि कुछ इलाकों में ही भारत में ज़्यादातर फौजी आ रहे हैं, ये असंतुलन है। बहरहाल अग्निपथ योजना के विरोध के बीच ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में सरकार का अगला कदम क्या होता है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अग्निपथ योजना को लागू करने की राह मोदी सरकार के लिए इतनी भी आसान नहीं है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।